नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आप सभी का श्री एजुकेशन की तरफ से। और मेरा नाम है रवि। तो दोस्तों, आज का जो हमारा ये वीडियो होगा, ये 39वां लेक्चर है आधुनिक भारत के इतिहास का। जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू की सीरीज पढ़ रहे हैं उसका ये 39वां लेक्चर है। इसके पहले 38 लेक्चर जो अपलोड किए गए हैं वो जरूर देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितनी भी क्वेश्चन सीरीज है पूरे आधुनिक भारत के इतिहास की, हमने अरेंज किए हुए हैं चैप्टर वाइज और सीरियल वाइज आपको बताए जा रहे हैं, और उनकी पूरी डिटेल भी बताई जा रही है आपको, जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तो ये पूरा वीडियो देख के आप जो है इन पूरी सीरीज का नोट्स बना लीजिए, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस हैं, ये बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन के कलेक्शन है। इन क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते आपको जो है पूरा मॉडर्न हिस्ट्री बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और अगर आपने हमारे आधुनिक भारत के इतिहास डिटेल पार्ट नहीं देखे हैं, थ्योरेटिकल पार्ट, वो जरूर देख लीजिएगा। तो उनके लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियां। इससे पहले वाले लेक्चर्स जो जो दो तीन आपने पढ़े होंगे, उसमें जो हमारा चैप्टर चल रहा था भारत के अंदर जो क्रांतिकारी जो गतिविधियां हो रही थी, जो आंदोलन हो रहे थे, उनकी भी चर्चा हम कर रहे थे। अब भारत के बाहर जो क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही थी तो उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किया। तो याद रखिए, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ जो है श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा किया गया था, ठीक है? ये क्वेश्चंस यूपी पीसीएस में बहुत बार पूछा गया है, तो याद रखिएगा। ये कब किया गया ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखिए फरवरी के महीने में 1905 में, फरवरी 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की, जिसे इंडिया हाउस के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? इंडिया हाउस के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा, इंडिया हाउस के नाम से भी जाना जाता है। अब अगर पूछा जाए इस संस्था का उद्देश्य क्या था, तो याद रखिए इस संस्था का उद्देश्य अंग्रेजी सरकार को उकसा कर उनको उनको आतंकित करके स्वराज्य प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया था। और यहां से दोस्तों एक समाचार पत्र का भी प्रकाशन प्रारंभ हुआ था, जिसका नाम था सोशियोलॉजिस्ट, ठीक है? सोशियोलॉजिस्ट समाचार पत्र का भी प्रारंभ किया गया था। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो आपको ये पूरी बात समझ में आ गई। देखिए, यूपीपीसीएस में किस तरीके से घुमा फिरा क्वेश्चन पूछे होंगे, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए, यूपीपीसीएस 2004 में क्या पूछा गया था, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की, तो कहाँ पे? लंदन में की, ये बता दिया हमने आपको, ठीक है? इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और देखिए कैसे पूछे गए हैं क्वेश्चन, यूपीपीसीएस 2014 में पूछा गया था, इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित हुई थी कब? 1905 फरवरी के महीने, ये भी हमने आपको बता दिया। तो ये सब बातें आप याद रखेंगे। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है गदर पार्टी के रूप में। तो देखिए, वह कौन था जिसने गदर पार्टी को स्थापित किया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखिए, लाला हरदयाल ने जो है गदर पार्टी को स्थापित किया। तो देखिए इसका इतिहास मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखिए। 1913 में सोहन सिंह भकना, नाम याद रखिए, सोहन सिंह भाकना या भकना कहा जाता है। तो सोहन सिंह ने 1913 में हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना की थी। यहां लिख देना चाहता हूं मैं, हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट की स्थापना की गई थी, इस संस्था की स्थापना की गई थी। और इसी संस्था ने गदर नामक एक अखबार चलाया था, गदर नामक एक पहले अखबार चलाया था, तो बाद में इस संस्था का नाम भी जो है गदर पार्टी ही पड़ गया था। गदर नाम इतना फेमस हो गया था, तो बाद में इस संस्था का नाम भी जो है गदर पार्टी ही पड़ गया था। और लाला हरदयाल सिंह जो थे इस संस्था के मेन पथ प्रदर्शक थे, इसलिए जो है ऐसा कहा जाता है कि गदर पार्टी की जो स्थापित करने वाले थे वो लाला हरदयाल सिंह ही थे, याद रखिएगा। तो अगर क्वेश्चन आएगा किसने गदर पार्टी का गठन किया, जैसे कि पूछा गया है एमपीपी से 2013 में, निम्न में से किसने गदर पार्टी को गठन किया, तो आप बताएंगे लाला हरदयाल, ठीक है? लाला हरदयाल, इन्हीं का ऑप्शन में जो है जब भी कोई ऑप्शन आता है इन्हीं का नाम आता है। और गदर पार्टी की स्थापना पूछा जाता है बहुत बार, हमने आपको बता दिया 1913, याद रखिएगा इस ऑप्शन में क्या हो जाएगा, 1913। और देखिए यूपीएससी में 1998 में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा हुआ था, गदर पार्टी का नेता कौन था, तो लाला हरदयाल सिंह ही आप बताएंगे, ठीक है? लाला हरदयाल सिंह। मगर अगर इस तरीके से आ जाए, गदर आंदोलन की स्थापना किसने की थी,
उसमें लाला हरदयाल का नाम भी हो और सोहन सिंह भकना का नाम भी हो, तो आप लगाएंगे आंसर सोहन सिंह भकना, क्योंकि सोहन सिंह भकना ही थे जिन्होंने हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना की थी, जो आगे चलकर गदर पार्टी के नाम से जानी गई। तो इसका वास्तविक आंसर आप लगाएंगे स्थापना किसने की, सोहन सिंह भकना ने। ठीक है, सोहन सिंह भकना ने जो है इसकी स्थापना की। जो लाला हरदयाल है इन्होंने इस पार्टी को जो है मेन रूप से गठित किया है। तो मेन तो लाला हरदयाल माने जाते हैं, मगर जो पहले जो मेन थे जिन्होंने ये की थी सोहन सिंह भाकना। ठीक है, देखिए यूपीपीसीए 2015 में क्वेश्चन पूछा हुआ था, निम्नलिखित में से कौन गदर पार्टी का पहला सभापति है, तो नाम तो है सोहन सिंह भाकना। ठीक है, आपको मालूम पड़ गया सोहन सिंह भाकना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी ये बारे में पूछा गया। तो याद रखिए संयुक्त राज्य अमेरिका में गदर पार्टी की जो स्थापना हुई है वो अमेरिका में हुई है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे दोस्तों, गदर क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी 2014 में। तो गदर क्या था दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा गया है गदर क्या था। तो याद रखिए भारतीयों का एक क्रांतिकारी संघ जिसका प्रधान कार्यालय जो है वो सैन फ्रांसिस्को में था, तो इसका आंसर ए है। तो आपको तो मालूम है गदर पार्टी की जो स्थापना हुई थी 1913 में हुई थी, और ये मेनली जो है अमेरिका और कनाडा में जो भारतीय बसे थे उन्हीं के द्वारा गठित की गई थी, और इस पार्टी का जो मुख्यालय है वो अमेरिका के अंदर सैन फ्रांसिस्को में था। ठीक है, तो ये गदर पार्टी के मुख्यालय के बारे में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिए ये एआरओ एग्जाम 2014 में पूछा हुआ था, गदर पार्टी का मुख्यालय था कहाँ पे, सैन फ्रांसिस्को में, अमेरिका के अंदर सैन फ्रांसिस्को में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बीपीएससी 1994 में क्वेश्चन पूछा हुआ था, गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था, तो जो प्रथम युद्ध की शुरुआत हुई थी वही सबसे मुख्य कारण था। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण प्रथम महायुद्ध या प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे दोस्तों, निम्नांकित में वह कौन व्यक्ति था जिसने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी, तो याद रखिए महेंद्र प्रताप, इसका आंसर क्या है, महेंद्र प्रताप। ये राजा महेंद्र प्रताप थे, इन्होंने अपने सहयोगी बरकतुल्ला, नाम लिख देता हूं मैं, बरकतुल्ला के साथ जो प्रथम विश्व युद्ध था उसी के दौरान 1915 ईस्वी में, कब, 1915 ईस्वी में अफगानिस्तान के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर कहां, काबुल के अंदर भारत की प्रथम अस्थाई सरकार का गठन किया था। कहां पे, अफगानिस्तान के अंदर, अफगानिस्तान में कहां, काबुल के अंदर भारत की प्रथम अस्थाई सरकार का गठन किया था, कब, 1915 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान राजा महेंद्र प्रताप ने, किसकी सहयोग से, बरकतुल्ला के सहयोग से, याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या है, महेंद्र प्रताप। तो ये यूपीएससी में और बहुत सारे एग्जामों में बहुत बार पूछा गया है, इस तरीके से घुमा के पूछा गया है, तो आपको आंसर तो तुरंत मालूम पड़ जाएगा। प्रथम महायुद्ध या प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कहां पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी थी, तो आपको मालूम पड़ गया, अंतिम मतलब अस्थाई के रूप में अस्थाई सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे, तो अफगानिस्तान के अंदर काबुल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, ये कौन भारतीय क्रांति की माँ कहलाती है, तो याद रखिए इसका आंसर वो है भीकाजी रुस्तम कामा। तो दोस्तों याद रखिए भीकाजी रुस्तम कामा जो थी ये बहुत बड़ी क्रांतिकारी थी, आप कह सकते हैं ये क्रांतिकारी जो लोग थे उनका ये बहुत ज्यादा समर्थन करती थी। इन्होंने जो है यूरोप से क्रांति का संचालन किया था और बाद में जिनेवा से वंदे मातरम पत्रिका निकाली थी, और इन्होंने जर्मनी की जो अंतरराष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में इन्होंने भाग लिया था, जहां पर इन्होंने पहली बार भारतीय राष्ट्रीय झंडे को फहराया था और जिसका डिजाइन इन्होंने स्वयं ही तैयार किया था, और यह लगभग 30 वर्षों तक पेरिस में भारत की स्वतंत्रता के लिए इन्होंने काम किया है, और बाद में 1935 में ये 74 वर्ष की अवस्था में जब ये बंबई लौट कर आई तो यहाँ पर इनका देहांत हो गया था, और यह भारतीय क्रांति की माँ कहलाती हैं। ठीक है, तो ये भारतीय क्रांति की माँ के रूप में बहुत ही ज्यादा विख्यात हो गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस महिला ने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया था, तो अभी हमने आपको बताया भीकाजी कामा ने। ठीक है, और ये बीपीएससी में 2015 में पूछा हुआ था, इस तरीके से आपको आंसर तो मालूम है, मैडम कामा ने 1915 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था, तो इन्होंने जर्मनी के अंदर
स्टुटगार्ट जगह है वहां पे इन्होंने फहराया था, ठीक है, स्टुटगार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से किस युग्म को इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी की सजा मिली थी? तो याद रखिए मदन लाल ढींगरा और उधम सिंह को, ठीक है। तो इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में मदन लाल ढींगरा और उधम सिंह को फांसी की सजा मिली थी। देखिए जो मदन लाल ढींगरा जी थे, इन्होंने जो राज्य सचिव के उसमें सलाहकार थे करजन वायली और कोवास लुलक्का, इन दोनों को गोलियों से भून दिया था, ठीक है, इसलिए उनको फांसी की सजा दी गई। और उधम सिंह का आपको नाम याद होना चाहिए दोस्तों, उधम सिंह ने जो जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था उसके आरोपी जो उस समय पंजाब का गवर्नर था जिसका नाम था माइकल ओ डायर, उसको इन्होंने लंदन में 1940 ईस्वी में मार डाला था, तो इसलिए इनको फांसी की सजा हुई थी। दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ उस समय जो पंजाब का तत्कालीन गवर्नर था माइकल ओ डायर, और जिसने आदेश दिया था, जनरल डायर वो अलग है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही है माइकल ओ डायर। ये आप कह सकते हैं ये डायरेक्टली इंक्लूड नहीं था, ये अप्रत्यक्ष रूप से इंक्लूड था क्योंकि ये उस समय पंजाब का गवर्नर था, ठीक है, और 1940 में इसकी हत्या की गई थी। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मैडम भीकाजी कामा, एम बरकतुल्ला, वीवीएस अय्यर और एम एन राय में क्या बात समान थी? तो दोस्तों आपको मालूम पड़ गया होगा कि ये सभी जो है क्रांतिकारी थे और बाहर से, भारत के बाहर से जो है ये समर्थन कर रहे थे, तो इन ऑप्शन में से तीसरा ही ऑप्शन सही है, वे सभी प्रमुख क्रांतिकारी थे और स्वतंत्रता आंदोलन की अवधि में भारत से बाहर विविध देशों में काम कर रहे थे, ठीक है। उसके देखिए ये यूपीएससी क्वेश्चन में पूछा हुआ था 2005 में, कामागाटा मारू ये क्या है? तो कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था, ठीक है, तो जो कामागाटा मारू ये घटना है इससे जो जुड़े हुए हैं उनका नाम है बाबा गुरदीप सिंह। तो मैं आपको बताता हूँ, तो कामागाटा मारू जो है वो कनाडा की यात्रा पर निकला हुआ एक जलपोत था जिसे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गुरदीप सिंह जो भारत के थे, गुरदीप सिंह ने किराए पर लेकर उस पर 376, कितने, 376 यात्रियों को बैठाकर कनाडा के बंदरगाह जिसका नाम है वैंकूवर, वैंकूवर की ओर प्रस्थान किया था। और जब ये भारतीय तट पर पहुंच गए तो जो कनाडा के पुलिस थे उन्होंने भारतीयों की घेराबंदी कर ली और इन्हें देश में प्रवेश करने से रोक दिया गया। तो इसलिए यात्रियों के अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए हुसैन रहीम, बलवंत सिंह और सोहन लाल पाठक की अगुवाई में एक कमेटी का गठन हुआ जिसे तटीय समिति या शोर कमेटी के नाम से जाना गया। और ये भी मालूम होना चाहिए आपको कि अमेरिका में जो रह रहे भारतीय थे जैसे भगवान सिंह, बरकतुल्ला, रामचंद्र और सोहन सिंह, इन्होंने भी जो है यात्रियों के समर्थन में आंदोलन चलाया था। जब कामागाटा मारू जहाज कलकत्ता पहुंचा तो वहां पे जो क्रोधित यात्री थे और पुलिस के बीच में संघर्ष हुआ जिसमें लगभग 18 यात्री मारे गए थे और 202 यात्रियों को जेल में डाल दिया गया था। तो ये घटना है। तो इसमें आपसे पूछा जाता है जैसे यूपीपीसी 2014 में पूछा गया था इस तरीके से, बताइए निम्नलिखित में से कौन कामागाटा मारू घटना से संबंधित थे? तो आपको मालूम होगा बाबा गुरदीप सिंह, ठीक है, कौन, बाबा गुरदीप सिंह। तो उत्तराखंड पीसीएस 2002 में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा हुआ था, कामागाटा मारू प्रसिद्ध है एक जलपोत के रूप में, ठीक है, एक जलपोत के नाते जो कि एक जहाज था, ठीक है, पानी वाला था, आपको समझ में आ गया ये। इस तरीके से यूपीपीसी 2015 में भी यही पूछा हुआ था, तो याद रखिए इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है ये, वह कौन थे जिन्होंने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी? तो रास बिहारी बोस, उनका नाम है रास बिहारी बोस। ये कहाँ पे रहते थे दोस्तों? ये रास बिहारी जो बोस थे ये जापान में रहते थे, भारतीय मूल के ये जापान में रहते थे ये। तो रास बिहारी बोस ने ही जो है इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की है, ठीक है, याद रखिएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ाने वाले हैं, बंगाल विभाजन जो घटना हुई थी 1905 में, और स्वदेशी आंदोलन ये चैप्टर का नाम होगा। आपको उसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे मैं सब आपको बताऊंगा। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा है प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें, और स्क्रीन पर जो चार वीडियो आपके आ रहे हैं इंपॉर्टेंट है देख लीजिएगा। हम आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।